ये जो काबा है, जो एक इमारत है, याद रखो ये इमारत ही काबा नहीं, जिस जगह काबा बना हुआ है ये इमारत बनी है, ये जगह आसमान तक लेकर, आसमान से भी ऊपर ये पूरी जो संत है ये क़िबला है। अगर इमारत ना भी हो फिर भी नमाज मुसलमान उधर ही रोक करके पढ़ेगा। इस जगह को ये मकाम, ये महबूबियत, ये बरकतें कैसे मिली, तो बड़ी मुफस्सरीन ने ये भी लिखा है, बड़ी वजाहतें की हैं, ये काबे की अजमतें, रिफातें, बरकतें इस जगह को जो मिली हैं, वो इसलिए कि ये वो जगह है जहां मुस्तफा का खमीर रखा गया था। तो असले मुस्तफा, खमीर मुस्तफा, नूरे मुस्तफा रखा गया, तो उसकी बरकतें काबे को मिली और काबा अहले ईमान का क़िबला बन गया। अरे काबा जो क़िबला बना, ये किसका सदका? रसूल का। वरना काबे से पहले नमाज तो बैतुल मुकद्दस की तरफ होती थी मेरे भाई। कुरान पढ़ो, कुरान, बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबले अव्वल है, हाँ, जिस क़िबले अव्वल पे दूसरे काबिज हो गए और फिलिस्तीन के मुसलमानों को सताया जा रहा है, दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया जा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह से हर नमाज में दुआएं करो और जो भी कोशिशें हो सकती है कोशिशें करो, अल्लाह हमें हमारा क़िबले अव्वल अता फरमा दे। उसकी हिफाजत के लिए फिलिस्तीनी मुसलमान कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यहूदी लॉबी उन्हें परेशान कर रही है और उन पे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढा रही है। मेरे भाइयों, बैतुल मक़दस की तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते तो यहूदी ताना देते, हमारे क़िबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। देखो तो अपने आप को नबी कहते, क़िबला अपना दूसरा ले आते, हमारे क़िबले की तरफ रुक करके नमाज। आका को मोहब्बत तो थी बैतुल मक़दिस से, लेकिन ये ताने जब दिए गए तो मेरे आका के दिल में ख्याल आया, दिल में तमन्ना हुई, मौला मेरे लिए क़िबला बदल दे और क़िबला खाने काबा को बना दे। और ये निशानी आका की पहली किताबों में लिखी हुई थी, जो खातमुन नबीगीन होगा, जो आखिरी नबी होगा, अल्लाह का महबूब आजम होगा, साहिबुल क़िबला तय, दो क़िबले वाला होगा, पहला क़िबला बैतुल मक़द्दस और दूसरा क़िबला खाने काबा है। तो आका ने दुआ की, कुरान में अल्लाह ने उसका तज़किरा फरमाया, महबूब बार बार आसमान की तरफ देख रहा है, रब कहता है महबूब तेरा बार बार आसमान की तरफ सर को पलटना, मुंह को पलटना हम देख रहे हैं, अब महबूब नमाज में है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जा, महबूब चाहता है क़िबला बदल दिया जाए, महबूब की रजा है काबे को क़िबला बना दिया जाए, हमने महबूब की रजा को पूरा कर दिया। जा जिब्रील, महबूब से कह दे नमाज को कम्प्लीट नहीं करना है, नमाज ही के दौरान चेहरे को घुमा के काबे की तरफ कर लेना। ये है मुस्तफा की रजा। तुम किताबों में लिखते हो कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, कहां से तुमने ये अकीदा खत किया? कौन सी कुरान की आयत में है, कौन सी हदीस में है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? अरे नबी के चाहने से क़िबला बदल गया, नबी के चाहने से उमर ईमान ले आए। पता उमर की ईमान की दुआ किसने की थी और उस दुआ को कबूल करके रब ने उमर को ईमान की दो? कहां से तूने अकीदा लिया कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता? हम तो कहते हैं इमाम अहले सुन्नत की जबान में, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजा।